73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया तिरंगा। 370 पर कहा, हम समस्याओं को न टालते हैं न पालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 पर विरोधियों को घेरा, कहा जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने 70 दिन में कर दिया। प्रधानमंत्री का कांग्रेस से सवाल, अनुच्छेद 370 इतनी जरूरी थी तो 70 सालों में से स्थायी क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा, हर किसी के दिल में थी अनुच्छेद 370 की बात, लेकिन शुरू कौन करे इसका सबको इंतजार था। तीन तलाक पर बोले पीएम, सती प्रथा खत्म हो सकती है तो तीन तलाक क्यों नहीं। पीएम ने कहा, मुस्लिम महिलाओं पर लटकती थी तीन तलाक की तलवार, उन्हें सही अधिकार मिले इसलिए हमने बनाया कानून। जनसंख्या विस्फोट को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया देश की बड़ी समस्या, कहा यह संकट आने वाली पीढ़ी के लिए भयानक। पीएम ने कहा, छोटा परिवार रखकर देशभक्ति को अभिव्यक्त करने वाले लोग सम्मान के अधिकारी। आतंकवाद के खिलाफ बिगड़ जब पीएम, कहा आतंकवाद के खिलाफ बनाए सख्त कानून। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर किया हमला, कहा आतंकवाद को पालने वालों का पर्दाफाश करना जरूरी। पीएम ने कहा, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश भी आतंकवाद से ग्रसित। पीएम का संकल्प, आतंकवाद फैलाने वालों को जड़ से खत्म करना जरूरी, इसके लिए मानवतावादी शक्तियां एकजुट हों। लाल किले से पीएम का ऐलान, जल जीवन मिशन पर 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पीएम बोले, हर घर में जल का रखा लक्ष्य, इससे लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। स्वच्छता अभियान की तरह पानी के लिए चलाना होगा अभियान, पीएम ने कहा पानी को बचाने के लिए 4 गुना रफ्तार से हमें करना होगा काम। पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात भी कही, कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए। गरीबी से लड़ाई पर पीएम का दावा, 5 साल में बहुत तेजी से कम हुई है गरीबी। पीएम के भाषण में किसानों की बात, कहा पीएम सम्मान निधि के जरिए 90,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए। पीएम ने फिर से दोहराया किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, कहा किसानों व्यापारियों के लिए पेंशन की हमने व्यवस्था की। भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद पर भी पीएम का प्रहार, ये दीमक की तरह देश में घुसा, एक बार में खत्म होने वाली चीज नहीं। हर साल की तरह इस बार भी भाषण के बाद बच्चों के बीच पहुंचे पीएम, बच्चों से मिलाया हाथ। बच्चों ने पीएम को घेरा, हाथ मिलाने की लगी होड़, पीले रंग की पगड़ी में दिखे पीएम। पीएम ने दोहराया $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य, कहा 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम करेंगे खर्च। लाल किले से प्रधानमंत्री का ऐलान, तीनों सेना प्रमुखों पर एक चीफ नियुक्त होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का होगा गठन। प्लास्टिक के थैले इस्तेमाल न करने की प्रधानमंत्री की अपील, कहा इस दिवाली कपड़े के थैले का करें इस्तेमाल। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पीएम की अपील, व्यापारी डिजिटल पेमेंट को हां, नकद को ना का बोर्ड लगाएं। पीएम की अपील, 2022 तक परिवार के साथ 15 जगहों पर घूमने जाएं, देश को जानें। गहरे पाबंदी के बीच श्रीनगर में मना स्वतंत्रता दिवस का जश्न, शेर कश्मीर स्टेडियम में लहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक बदलाव। लेह में आजादी का जश्न, लोगों के साथ डांस करते नजर आए सांसद जामयांग सेरिंग। स्वतंत्रता दिवस पर कड़े पहरे के लिए जम्मू की सड़कों पर दिखी चहल पहल। जम्मू के सांबा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मनाया स्वतंत्रता दिवस का जश्न, अलग अलग समुदाय के लोग साथ आए। आजादी के जश्न में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में अपने घर पर जवानों के साथ दिखे। बीजेपी मुख्यालय पर जश्न, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी सलामी। नागपुर में मोहन भागवत ने हेडगेवार स्मारक स्मृति पर फहराया तिरंगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने दी सलामी, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना, 370 को लेकर लोगों की आशंकाएं खत्म हुई। पटना के गांधी मैदान में तिरंगा, नीतीश कुमार ने दी सलामी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर तिरंगे को दी गई सलामी, सोनिया गांधी ने फहराया झंडा। बच्चों से मिले सोनिया और मनमोहन, उपहार भेंट किए। भोपाल में कमलनाथ सरकार ने मनाया मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस।
नेपाल के काठमांडू में दिखी तिरंगे की शान, भारतीय दूतावास पर आजादी का जश्न। रांची के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फहराया तिरंगा, परेड की सलामी ली। वाराणसी में मुस्लिम युवकों ने बड़ी तादाद में निकाला तिरंगा यात्रा, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे। प्रयागराज में मदरसे में गूंजा राष्ट्रगान, बच्चों ने दी तिरंगे को सलामी। बरेली के मदरसे में स्वतंत्रता दिवस का जश्न, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गाकर छात्रों ने बटोरी तालियां। जम्मू कश्मीर के सांबा में रानी सुचेत स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस की धूम। लेह में बीजेपी दफ्तर पर शान से लहराया तिरंगा, राम माधव मौजूद। सिक्किम में 18,800 फीट पर शान से लहराया तिरंगा, आईटीबीपी के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। बरेली में मुस्लिम महिलाओं ने स्वतंत्रता दिवस के साथ ट्रिपल तलाक से आजादी का मनाया जश्न। प्रयागराज में संगम किनारे लहराया तिरंगा, साधु संतों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के साथ राखी का भी जश्न, केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह ने गाजियाबाद में रक्षाबंधन मनाया। राजसमंद में अनूठे अंदाज में मनाया गया रक्षाबंधन, 1,000 लड़कियों ने पेड़ों को बांधी राखी। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का ट्वीट, पूछा जम्मू कश्मीर पर 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का आजादी क्यों नहीं। गुलाम नबी आजाद ने भी मोदी सरकार को घेरा, कहा देश मना रहा है आजादी का जश्न लेकिन जम्मू कश्मीर में सब बंद। कश्मीर पर चीन की पत्थरबाजी शुरू, सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मामला उठाने की कोशिश में चीन। यूएन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने कहा जम्मू कश्मीर पर कल हो सकती है बंद कमरे में बातचीत। कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए चीन कर रहा है पाकिस्तान की मदद। स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी का ट्वीट, समानता न्याय लोकतंत्र के लिए लड़े पूर्वज, मूल्यों की अनदेखी ना हो। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राष्ट्रीय गान संबोधन, जियो और जीनो दो के सिद्धांत का किया जिक्र। अपने संबोधन में 370 की चर्चा की, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को फायदे की उम्मीद। तमाम संस्थाओं नीति निर्माताओं को राष्ट्रपति ने दी नसीहत। राष्ट्रपति ने बापू को देश का मार्गदर्शक बताया। इंडिया टुडे कार्वे इंसाइट्स में सर्वे में पीएम मोदी लोकप्रियता का हाल, 66% लोगों ने माना लोकप्रिय। कामकाज से 32% लोग बेहद खुश। 37% लोगों ने नरेंद्र मोदी को माना सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी को 14% वोट। अभी चुनाव हुए तो एनडीए को 357 सीटों का अनुमान। इंडिया टुडे कार्वे इंसाइट्स के सर्वे में योगी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने मनाया राखी का पर्व, बच्चों महिलाओं ने बांधी राखी। भोपाल में बीजेपी विधायक विश्वास सारंग को मुस्लिम महिलाओं ने बांधी राखी। नागपुर में महिलाओं बच्चियों ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बांधी राखी। स्वतंत्रता दिवस के साथ मनाया जाएगा रक्षाबंधन, जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने मनाया त्यौहार। मध्य प्रदेश के शहडोल में केरोसिन टैंकर को बहाकर ले गई लहरें, टैंकर का ड्राइवर लापता। भीषण हुई केरल की बाढ़, 103 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा तबाही। सांगली में एक की मौत, दरिया बाढ़ पीड़ितों को बांटे पैसे। सांगली के बाढ़ पीड़ितों के लिए आ गया कोल्हापुर का महालक्ष्मी अंबाबाई माता मंदिर, 5 करोड़ रुपए दान दिए। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद उफान पर महानदी, हीराकुंड डैम से छोड़ा गया पानी। विजयवाड़ा में भारी बारिश से बिगड़ी स्थिति, खोले गए प्रकाशम डैम के सारे गेट। मध्य प्रदेश के इटारसी में भारी बारिश, तवा डैम के गेट खोलकर छोड़ा गया पानी। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, पानी में डूबे हैं गांव। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भारी बारिश का कोहराव, रिहायशी इलाकों में पानी। मध्य प्रदेश के सतना में लगातार बारिश से हाहाकार, पूरे शहर में पानी ही पानी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में 24 घंटे से लगातार बारिश, उफान पर नर्मदा। भारी बारिश से पश्चिम बंगाल के बांकुरा में कोहराम, पानी में धुल गई सड़कें।
राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश, खोले गए माही डैम के 16 गेट। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश, बेंगलुरु में भी जबरदस्त पानी गिरा। कर्नाटक के कोडागु में बाढ़ की त्रासदी के बीच सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल, मुस्लिम युवकों ने साफ किया मंदिर में भरा कीचड़। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगहों पर बद्रीनाथ हाईवे ठप। स्वतंत्रता दिवस पर टीम इंडिया ने देश को दिया जीत का तोहफा, वेस्टइंडीज को हराकर वनडे सीरीज जीती। पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ तीसरा वनडे, भारत ने 6 विकेट से जीता। बारिश की वजह से 35 ओवर का मैच, भारत ने 255 के लक्ष्य को 32 ओवर में हासिल किया। विराट का शतक, श्रेयस अय्यर ने खेली 65 रनों की शानदार पारी, विराट बने मैन ऑफ द सीरीज। करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल रहे क्रिस गेल की आतिशी पारी, भारत के खिलाफ 41 गेंदों में ठोक दिए 72 रन। 10% तक महंगे होंगे होम अप्लायंसेस, कंपनीज जल्द लॉन्च करेंगी एनर्जी एफिशिएंट मॉडल। रक्षाबंधन पर बिक रही है 40 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक की राखी, पबजी फेसबुक पर है ट्रेंड। 28 अगस्त को लॉन्च होगी रेनॉल्ट ट्राइबर, 17 अगस्त से शुरू होगी बुकिंग। पंजाब के रियल एस्टेट में निवेश करेगा जापान का सॉफ्ट बैंक ओयो। ट्रेड वॉर ने चीन की फैक्ट्री आउटलेट की रफ्तार को 17 साल के सबसे निचले स्तर पर लुढ़काया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।